नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जम्मू कश्मीर में आतंकी शोले पाकिस्तान से भड़काए जाते हैं, ये सच पूरी दुनिया जानती है। इसके लिए अब तक हाफिज जैसे आतंकी आका और आईएसआई को जिम्मेदार समझा जाता था, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक घाटी में आतंक आग को भड़काने के लिए अलगाववादियों को सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर से फरमान मिलता है। इतना ही नहीं, इन अलगाववादियों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद चिट्ठी भी भेजते हैं। इस सनसनीखेज सच का पर्दाफाश हुआ है आतंक की आपा कही जाने वाली आसिया अंद्राबी के कबूलनामे से। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर में सिर्फ आईएसआई ही नहीं भड़काती आतंकी आग, घाटी में सिर्फ हाफिज ही नहीं बेचता है आतंक के शैतान। कश्मीर की आजादी के लिए मैदान में खड़ा हो जा, बल्कि पर्दे के पीछे एक और ताकत करती है काम, जिसका पर्दाफाश होने पर पूरी दुनिया है हैरान। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से सुलग रही आतंकी आग के पीछे आईएसआई का हाथ होने के सैकड़ों सबूत सामने आ चुके हैं। हाफिज सईद जैसे आतंकी तो आए दिन कश्मीर में खून की होली खेलने का ऐलान करते रहते हैं। फिर कश्मीर इंडिया के हाथ से निकलेगा। हाफिज की ही तरह पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे चेहरे हैं जो पाकिस्तान में तबाही की साजिशें रचते रहे हैं। इन सब का सच पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, लेकिन अब कश्मीर में आतंक के पीछे छिपे एक ऐसे चेहरे का नकाब उठा है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ सेना और आईएसआई ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दफ्तर भी सीधे तौर से शामिल है। इस सनसनीखेज सच का पर्दाफाश एनआईए ने किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर के अलगाववादियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। ये रिश्ता इतना गहरा है कि अलगाववादी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करते रहते हैं। कश्मीर में आतंक के शोले भड़काने वालों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रिश्तों का पर्दाफाश अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने किया है। आसिया घाटी में भारत के खिलाफ काम करने वाले महिला आतंकी संगठन दुख्तराने मिल्लत की संस्थापक है, जिसे भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है। आसिया हाफिज सईद की बेहद करीबी है और हाफिज इसका खुलेआम ऐलान भी करता है। मेरी बहन आसिया इंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं, मेरी बहन हमारे हैं। हाफिज की आतंकी बहन को एनआईए ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आसिया ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। आसिया ने कबूल किया है कि वो नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके संपर्क में रहती थी। उसने बताया कि नवाज के सलाहकार सरताज अजीज नवाज से उनकी बात कराते थे। आसिया ने ये भी माना कि उसने 2014 में नवाज को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में मदद कम करने की शिकायत की गई थी। हैरानी की बात यह है कि नवाज ने उस चिट्ठी का जवाब भी दिया था। ये चिट्ठियां उस वक्त की है जब नवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। यही नहीं, 2015 में जब आसिया की माँ का निधन हुआ तो नवाज ने शोक संदेश के लिए एक और चिट्ठी भेजी। कोई शक था नहीं, और अगर कोई शक था तो इसके बयान से साफ तौर पे वो शक भी दूर हो गया कि नवाज शरीफ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो डायरेक्टली आतंकवादियों के साथ इन्वॉल्व थे। आसिया ने अपने कबूलनामे में बताया कि 2014 में उसने दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से मुलाकात की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर गंभीर नहीं दिख रहा है, जिसके बाद उसे बताया गया कि पाकिस्तान में कश्मीर से जुड़े मामलों के लिए एक कमेटी बनाई गई है। बुरहान वानी की डेथ के बाद में अंद्राबी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि पाकिस्तान से उस माफिया का सपोर्ट, जिस माफिया का सपोर्ट वो चाहती थी, नहीं मिल रहा। इसी प्रकार का कोई शक ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है, जिसके बॉस प्रधानमंत्री खुद हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व। घाटी को सुलगाने के लिए आसिया सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ही नहीं जुड़ी थी, बल्कि उसने ये भी कबूल किया है कि उस वक्त आईएसआई के मुखिया रहे हामिद गुल से भी उसके रिश्ते थे। वो नवाज शरीफ, हामिद गुल और सरताज अजीज के संपर्क में लगातार रहती थी।
इससे ये साबित होता है कि कश्मीर में आतंक की स्क्रिप्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर में भी लिखी जाती है। सरताज असीज है वो कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं थे, वो बहुत अहम पोस्ट पर थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडो पाकिस्तान रिलेशंस को अफेक्ट करता था। उनका भी इस साजिश में जुड़ा होना ये सबूत दर्शाता है कि कितना क्लोज नेक्सस था आतंकवादियों के बीच में, उनके एजेंट हिंदुस्तान में अंदर भी। आसिया के कबूलनामे से ये साफ हो जाता है कि उसके तार पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों से जुड़े हैं, जबकि हाफिज जैसे आतंक के आकाओं के साथ आसिया का रिश्ता एक परिवार की तरह है। आसिया ने एनआईए को दिए अपने बयान में हाफिज और पाकिस्तान में बैठे कई बड़े आतंकियों से अपने रिश्तों की बात भी कबूली है। आसिया चिट्ठियों के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संपर्क में रहती थी, जबकि इंटरनेट के जरिए उसकी बात पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं से होती थी। हाफिज सईद के परिवार से आसिया के बेहद करीबी रिश्ते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आसिया का मोबाइल फोन है, जिसमें दर्जनों ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसके सदस्य हाफिज के परिवार के लोग हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिया को लिखते थे चिट्ठी, आईएसआई के प्रमुख से आसिया को भेजते थे संदेश। हाफिज जैसे आतंकियों के पूरे परिवार से है आसिया का रिश्ता। आसिया अंद्राबी ने एनआईए को दिए अपने बयान में लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन से भी रिश्तों को कबूल किया है। आसिया कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने के लिए हाफिज सईद और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों के लगातार संपर्क में थी। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए ये इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करते थे। आसिया ने एनआईए को बताया कि हाफिज सईद से उसकी लगातार बात होती है और बातचीत कश्मीर के मुद्दे पर ही होती है। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हाफिज ने आसिया अंद्राबी से बात की थी और उसने कश्मीर में पत्थरबाजी का हाल जाना था। इसी बातचीत में आसिया ने हाफिज से मदद मांगी और उसे पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाने के लिए कहा था। आसिया ने हाफिज के जरिए पाकिस्तान सरकार को कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए कहा था। आसिया ने बताया कि उसने हाफिज से कहा था कि वो पाकिस्तान सरकार से अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके कश्मीर मुद्दे पर भारत को दुनिया में बदनाम कराए। आईएसआई और आतंकवादी जो हैं बहुत क्लोज नेक्सस है, हर प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। क्लोज नेट नेक्सस था आर्मी का, आईएसआई का, आतंकवादियों का और प्रधानमंत्री के कार्यालय का। हाफिज और आसिया के रिश्ते इतने गहरे हैं कि वो हाफिज के पूरे परिवार के संपर्क में रहती है। हाफिज की पहली पत्नी उम्मी तलहा से आसिया की दोस्ती थी। उम्मी ने उसे दुख्तराने तैयबा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा था। इस ग्रुप की एडमिन उम्मी तलहा ही थी, जिसमें 250 सदस्य थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता था। हाफिज सईद से डायरेक्ट इंटरेक्शन अंद्राबी का साफ तौर पर दर्शाता है कि इनके आपसी तलुकात जो थे, जिनको आप घरेलू तलुकात कह रहे हैं, बहुत ही क्लोज थे और हर प्रकार से वो एक दूसरे के साथ हर गतिविधि, हर साथी साजिश, हर हादसे की बातचीत होती थी और ये उनकी एजेंट थी हिंदुस्तान में। हाफिज के अलावा आसिया के हिज्ब सरगना सैयद सलाहुद्दीन से भी पारिवारिक रिश्ते हैं। सलाहुद्दीन हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को संदेश देने के लिए आसिया को ही फोन करता है। इंटरोगेशन में साफ तौर पर बता रही हैं कि जो बड़े बड़े आतंकवाद के आका थे, हाफिज सईद है, सलाहुद्दीन है, कुछ औरों का तो नाम नहीं लिया, उन सब के साथ इसके डायरेक्ट इक्वेशन से डायरेक्ट तल्लुकात थे और उन्हीं के इशारे के ऊपर ये वैली के अंदर हर बड़ गड़बड़ करते थे। कश्मीर में शोले भड़काने वाले हर शख्स से आसिया के इतने गहरे रिश्ते हैं, यहाँ तक कि घाटी में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या करने वाला लश्कर आतंकी सज्जाद शेख गुल भी आसिया के संपर्क में था। आसिया के कबूलनामे में पाकिस्तान से रिश्तों के साथ साथ घाटी में आतंक को बढ़ावा देने के कई हैरान करने वाले हथकंडों का पर्दाफाश हुआ है। आसिया को अपने संगठन दुख्तराने मिल्लत के नाम पर करोड़ों का चंदा मिलता था, जिसका इस्तेमाल आतंकी की मदद करने के लिए किया जाता है। ये काम आसिया की करीबी सोफी फहमिदा अंजाम देती है। एनआईए को दिए आसिया के बयान में घाटी में आतंकियों को मदद पहुंचाने का एक हैरत अंगेज हथकंडा भी बेनकाब हुआ है।
आसिया अपने संगठन दुख्तराने मिल्लत के नाम पर करोड़ों का चंदा लेती है। इस पैसे का इस्तेमाल घाटी में मारे गए आतंकियों के परिवार की मदद के लिए होता है। आसिया ऐसे परिवारों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन देती है। इसके लिए बैंक में एक खाता खोला गया है जिसमें दुख्तराने मिल्लत के सदस्य चंदा देते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और मलेशिया से भी पैसा आता है। दुख्तराने मिल्लत की मीडिया सचिव सोफी संगठन को हर साल 15 लाख रुपए देती है। ये भी माना जा रहा है कि आतंकियों की मदद के लिए हवाला के जरिए भी पैसा आता है। आशिया को पैसा अनेकों तरीकों से मिलता था। एक तो डायरेक्टली फंडिंग बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से पैसा आता था। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के माध्यम से, हवाला के माध्यम से, एक्सटॉर्शन के माध्यम से, फेक करेंसी के माध्यम से, नार्को टेररिज्म के माध्यम से। सोफी को आसिया का काफी करीबी माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वो 400 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप चलाती है और लगातार अपना मोबाइल बदलती रहती है। मीडिया को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है हुर्रियत ने, आसिया अंद्राबी ने और बाकी आतंकवादियों ने, तो रोमांटिसाइज करने के लिए, लोगों को जुटाने के लिए, पथराव की घटनाओं के लिए, बैंक को लूटने के लिए, पुलिस कर्मियों से वेपन छीनने के लिए। आसिया के कबूलनामे से साफ हो चुका है कि घाटी में आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दफ्तर सीधे तौर पर शामिल है, जहां कश्मीर में आतंकियों को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश भी रची जाती है। और इस काम के लिए हाफिज जैसे आतंकी प्रधानमंत्री दफ्तर से सीधे जुड़े रहते हैं।